फ्लूइड के संग्रहण के बारे में अध्ययन करेंगे। सीएसएफ जो है वो लंबा पंक्चर विधि के द्वारा किया जाता है और उसका स्पेसिमेन हमेशा एक फिजिशियन या ट्रेन टेक्नीशियन अथवा नर्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत निपुणता की आवश्यकता होती है। लंबा पंक्चर की जो नीडल होती है वो लंबी नीडल होती है और उसमें स्टाइलेट उपस्थित होता है। तो जो स्टेराइल लंबा पंक्चर नीडल है उसे हम थर्ड और फोर्थ लंबा वर्टिब्रा के मध्य डालते हैं और 4 से 5 सेंटीमीटर तक के डेप्थ में डालते हैं। सब अरेक्नॉइड स्पेस में वो पहुंचनी चाहिए नीडल। और उसके बाद नीडल डालने के पश्चात हम स्टाइलेट निकाल लेते हैं और फिर फ्लूइड या सीएसएफ द्रव का संग्रहण करते हैं नीडल की सहायता से, दो टेस्ट ट्यूब्स में करते हैं। लंबा पंक्चर इसलिए L3-L4 लंबा वर्टिब्रा के मध्य करते हैं और उससे नीचे इसलिए करते हैं जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड को क्षति ना पहुंचे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को क्षति पहुंचेगी तो पैरालिसिस की संभावना होती है। छोटे बच्चों में कोनस मेडुलारिस जो है वो नीचे तक आती है, इसलिए जो है लंबा वर्टिब्रा 4 और 5 के मध्य या उससे नीचे ही लंबा पंक्चर करना चाहिए। ये इस विधि में जो स्टाइलेट है उसे हमेशा उपस्थित होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं उपस्थित हुई और सीधे नीडल से हमने डालकर सीएसएफ संग्रहण किया तो डर्मोइड सिस्ट बनने की संभावना होती है उस स्पाइनल कैनाल में, और इसके कारण वो डर्मोइड सिस्ट जो है वो दाब बढ़ाती है और उससे रोग हो सकता है। फिर एक मैनोमीटर जो कि दाब को मापता है और 3-way स्टॉपकॉक अटैच्ड होती है, जुड़ी हुई होती है नीडल से, जिससे कि हम सीएसएफ का दाब माप सकें, क्योंकि सीएसएफ का दाब बहुत महत्वपूर्ण है, वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है और उसी के अनुसार हम सीएसएफ का संग्रहण करते हैं, कितनी मात्रा में संग्रहण करना है। इसलिए सीएसएफ जो है वो नियंत्रित परिस्थितियों में निकाला जा सके। सीएसएफ जो है दो टेस्ट ट्यूब्स में निकाला जाता है, दोनों टेस्ट ट्यूब्स स्टेराइल होती हैं। पहली ट्यूब में 0.5 ml निकाला जाता है या कुछ बूंदें निकाली जाती हैं और दूसरी टेस्ट ट्यूब में 3 से 5 ml सीएसएफ निकाला जाता है। जो पहली टेस्ट ट्यूब का सैंपल है उसमें बैक्टीरियल कल्चर्स लगाए जाते हैं कि कौन सा पैथोजन उपस्थित है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब का जो 3 से 5 ml सीएसएफ उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जो सुपरनेटिन प्राप्त होता है उसमें बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हैं कि कितना ग्लूकोज प्रोटीन ग्लोबुलिन इत्यादि उपस्थित है, और जो नीचे प्रेसिपिटेट बैठता है उसके स्मियर्स बनाते हैं, उसमें हो सकता है कुछ पैथोजेंस उपस्थित हो या सेल्स जो कास्ट होती हैं वो उपस्थित हो सकती हैं, तो उनकी उपस्थिति ज्ञात करने के लिए वो स्मियर्स बनाए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सीएसएफ स्पेसिमेन जब हम संग्रहित करते हैं और तब उसको तुरंत ही एनालाइज कर लेना चाहिए, उसका विश्लेषण 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, अन्यथा सीएसएफ में परिवर्तन आ जाता है। महत्वपूर्ण जो पैथोजेन है बैक्टीरियल कल्चर के लिए नाइसीरिया मेनिनजाइटिस का, वो ठंड में फ्रिज में रखने से नष्ट हो जाता है और डेथ हो जाती है, किल हो जाता है, इसलिए जो सीएसएफ निकालते हैं और नाइसीरिया मेनिनजाइटिस का अध्ययन करना है तो तुरंत ही एग्जामिन कर लेना चाहिए, ऐसा स्पेसिमेन फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। जो स्पेसिमेन बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए होते हैं उनको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 2-3 घंटे के लिए रख सकते हैं, उससे अधिक वो भी नहीं रखे जाने चाहिए, क्योंकि उनमें भी परिवर्तन आ जाते हैं। जो पैथोजन है वो बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का उपयोग कर लेते हैं, इसलिए परिवर्तन आ जाता है। जो कोशाएं और ट्रिपैनोसोम्स हैं वो भी शीघ्रता से लाइसिस हो जाती है उनकी जब सीएसएफ संग्रहित करते हैं, इसलिए सीएसएफ का संरक्षण नहीं, प्रिजर्वेशन नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत एनालाइज कर लेना चाहिए। स्पेसिमेन में क्योंकि विरुलेंट संक्रामक ऑर्गेनिज्म उपस्थित है, इसलिए जो भी व्यक्ति सीएसएफ का संग्रहण कर रहा है और उसकी एनालिसिस कर रहा है उसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए, वरना उसे भी संक्रमण होने की संभावना होती है। किन रोगों में हम सीएसएफ का कलेक्शन करते हैं, तो डिटेक्शन और डायग्नोसिस के लिए मेनिनजाइटिस के लिए, सब एरेक्नॉइड हेमरेज के लिए, एनसेफेलाइटिस के लिए, सीएनएस सिफिलिस, स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर या मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक रोगों में हम सीएसएफ का की एनालिसिस करते हैं।
इसके अतिरिक्त अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी है कि सेरेब्रल इन्फार्क्शन हुआ है या इंट्रा सेरेब्रल हैमरेज हुआ है, इसका पता लगाने के लिए भी हम CSF की एनालिसिस करते हैं। फिर कोई एनेस्थीसिया देना है, रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट मीडिया या औषधि देनी है तो भी लंबा पंक्चर की सहायता से दिया जाता है। अब कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं लंबा पंक्चर में, तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कई बार सेरेब्रल प्रेशर कोन बन जाता है इन पेशेंट्स, उन रोगियों में जिनमें CSF प्रेशर बहुत अधिक होता है, इसीलिए उससे पहले नापा जाता है और उस हिसाब से CSF का संग्रहण होता है। अगर नहीं किया गया तो सेरेब्रल प्रेशर कोन बन जाएगा जो कि क्षति पहुंचा सकता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर यदि उपस्थित हो गया, बन गया लंबा पंक्चर के समय, तो वो पैरालिसिस हो गया और बाद में पैरालिसिस हो जाएगी, इसलिए सावधानी पूर्वक करना चाहिए। फिर डर्मोइड सिस्ट, अगर त्वचा उस जगह लग गई तो डर्मोइड सिस्ट बन जाएगी, यदि बिना स्टाइलेट के किया गया तो ये इसकी संभावना होती है। और उसके बाद यदि CSF जहाँ से निकाला गया उस जगह घाव नहीं भरा तो CSF की लीकेज होती रहती है, जिससे इंट्राक्रैनियल प्रेशर चेंज होता है और सिरदर्द बना रहता है।